देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में, जिसमें हम तमाम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उनका इलाज कैसे हो, आपको राहत कैसे मिले, तमाम डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, जो कि फाउंडर हैं सेवाती देवी मेमोरियल डिजिटल मेडिकल सेंटर्स के। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू अरविंद जी। आज हम बात करेंगे दिल की, यानी कि हमारे हार्ट की। हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए, सबसे पहला सवाल यही है। देखिए, दिल जो है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो कि दिन के अंदर कम से कम 1 लाख बारी धड़कता है। और ये एक ऐसा पंप है जो पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है, और जब ब्लड जो है वापिस आता है तो उसको ऑक्सीजन होने के लिए फेफड़ों में भेजता है, और फेफड़ों से फिर दिल में आता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो अगर ये रुक जाए तो आदमी की डेथ हो जाती है। और अगर जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं जिनसे दिल को ब्लड पहुंचता है, अगर उनमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और इतनी ज्यादा कॉमन है हार्ट अटैक की बीमारी जी, कि अंदाजन 1 करोड़ लोगों को साल में हार्ट अटैक होता है हिंदुस्तान में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अभी हमने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम क्या कर रहे हैं इसमें ना, एक हमने एक ऐसा डिजिटल डिवाइस लाए हैं ला रहे हैं इंडिया में, जिससे कि सपोजिंग आपको हार्ट अटैक हुआ है, आप एक हाउस वाइफ है या आप एक कोई अकाउंटेंट है या आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आपके डॉक्टर को, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को या आपके किसी नियरेस्ट रिलेटिव को जो आपकी मदद कर सकता है, उसको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, ताकि आपको इमीडिएटली टाइम से ट्रीटमेंट मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, देखिए हम पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो भारत में बहुत कम देखे जाते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या अब पहले एक उम्र तय थी या अब जो है यंगस्टर्स में भी इस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? ऐसा है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। लोग बहुत ज़्यादा आजकल जो फास्ट फूड खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने से उनका जो ल्यूमन है ना, अंदर का वो है वेसल की जो सप्लाई का ल्यूमन है, वो कम हो जाता है और नाड़ी है वो कमजोर हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे कि ब्लड की सप्लाई हार्ट की मसल को पहुंचती नहीं है। जब वो हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो हार्ट तक वो मसल जो है मर जाए। पहले तो जब उनको कम सप्लाई पहुंचती है तो वो ना चिल्लाती है कि मेरे को सप्लाई नहीं आ रही, तो दैट इज कॉल्ड, पहले उसे पेन होती है, हार्ट की वजह से पेन होती है। उसके बाद जब बिल्कुल नहीं पहुंचती तो वो मसल्स मर जाती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो ये जो है डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, एक्सरसाइज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अपनी एक रेगुलर एक्सरसाइज करें और डाइट ठीक करें और सुबह सैर करें तो आपकी लाइफ, बिल्कुल डॉक्टर अरविंद जी, देखिए दिल का जवा रहना बेहद ज़रूरी है। अगर दिल जवा रहेगा तो हमारी ज़िंदगी सही रहेगी, ज़िंदगी सलामत रहेगी। तो ऐसे में दिल को हेल्दी रखने के लिए, जवा रखने के लिए हमें क्या कुछ अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, फास्ट फूड खाने लगे हैं, फास्ट 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 सारी चीज़ें चाहिए। देखिए, दिल को नॉर्मल रखने के लिए अपने आप को नॉर्मल रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको ना जितनी ज्यादा कम टेंशन होगी, जितना ज्यादा आप अच्छा लाइफस्टाइल बिताओगे, सुबह सैर करोगे, खाना ढंग से खाओगे, नॉर्मल खाना खाओगे, ज्यादा घी तेल नहीं खाओगे, तो उससे आपकी बॉडी भी और ब्लड प्रेशर भी और हार्ट भी आपका नॉर्मल रहेगा। तो एज लॉन्ग एज यू कीप योरसेल्फ नॉर्मल एंड यू लिव नॉर्मल लाइफ, यू आर लाइकली टू हैव अ प्रोलॉन्ग लाइफ। आपको ना जिंदगी में नॉर्मल रहने के लिए नॉर्मल सब चीजें करनी पड़ेगी।
जितनी ज्यादा आप ना नॉर्मेलिटी से दूर भागोगे उतना ही ज्यादा आपको तकलीफ होगी। तो नॉर्मल रहना ही बहुत जरूरी है। सुबह सैर करो, अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छा मतलब टेंशन कम हो, उल्टा पुल्टा नहीं खाओ, किसी से ज्यादा आपको। बिल्कुल डॉक्टर, आजकल हमने देखा है, बहुत लोगों से सुना भी है, शिकायत भी करते हैं कि उनके लेफ्ट साइड जो है वो चेस्ट में और चेस्ट की तरफ शोल्डर में बहुत पेन होता है। कई बार लोग इसे सर्वाइकल समझते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या ये लक्षण हो सकता है कि आपका हार्ट कमजोर है, अब आपको सावधान होने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कंसल्ट करने की जरूरत है? देखिए, जो ये हार्ट के पेन की वजह, हार्ट अटैक होता है या एंजाइना होता है, उसके कई मतलब सिम्टम्स होते हैं। पसीना आना, डिस्कम्फर्ट होना, चेस्ट में पेन होना, या पेन जो है शोल्डर की तरफ, आर्म्स की तरफ रेडिएट होना, ऑल दीज आर द साइंस ऑफ हार्ट अटैक। बट नॉट नेसेसरी हार्ट अटैक, दे कैन बी ड्यू टू अदर रीजंस आल्सो। सो एवरीथिंग हैज टू बी रूल्ड आउट। सी देयर इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपको ना बड़ा सिस्टमेटिकली एक एक करके डायल रूल करनी पड़ती है। अगर सब जब हम इन सिम्टम्स को इवेल्युएट करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन से सिम्टम्स किस वजह से हो सकते हैं, तो उसी और उनको ना फिर हमें एक एक करके सेपरेट करना पड़ता है कि किस चीज़ को किस वजह से हो रहा है। तो उस ढंग से हमारे को फिर इवेल्युएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, तब जाकर के हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि ये किस वजह से था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ जो दर्शक है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो हार्ट अटैक के मामले हैं, जब हम अपने हार्ट का ध्यान नहीं रखते तो ऐसे में कई बार लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो ज़्यादा हमने देखे हैं, और ये जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसका असर देखा गया है। तो क्या महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आते हैं, कार्डियक अरेस्ट के मामले ज़्यादा आते हैं? आजकल हम देख रहे हैं जिम में वर्कआउट करते करते भी लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। अगर आपका वजन कंट्रोल में नहीं है, या डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, तो आपको हार्ट अटैक जल्दी होने के, मतलब हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस है। आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अपना वजन कंट्रोल करना जरूरी है अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है या हार्ट अटैक से हटना है। क्या वजन भी मुख्य कारण हो सकता है डॉक्टर साहब हार्ट अटैक का? क्या कह रहे आप? क्या बढ़ता वजन भी एक मुख्य कारण हो सकता है हार्ट अटैक का? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दीज आर सम ऑफ द मेजर रीजंस फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। दीज आर सम ऑफ द, ये काफी वजह है जिससे हार्ट अटैक होता है। तो अगर आप अपना वजन कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब, देखिए ये तो बात हो गई कि वजन बढ़ने से भी और बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आप एब्जॉर्व करते हैं तो उससे भी हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि आपका दिल जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो सही नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है? देखिए, इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। पहली बात, आपको सांस चढ़ना। अगर आपका हार्ट नॉर्मल नहीं है तो मोस्ट कॉमनली आपको सांस चलेगा। तो सांस चलने का मतलब है आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों को प्रॉपर खून नहीं मिल रहा, उनको खून नहीं मिल रहा, और वो ऑक्सीजन उनको मतलब ऑक्सीजन नहीं ब्लड में जा रही है, जिसकी वजह से आप वो जो खून आ रहा है वो उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, और आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो जिसकी वजह से आपका सांस चलता है। तो वो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब हार्ट पंप नहीं करा प्रॉपरली और आपकी लंग्स में ऑक्सीजन खून नहीं पहुंचा और लंग्स में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब नहीं हो रही है, तो आपको सांस चलता है। दिस इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम इज कि जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो भी आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। नंबर तीन, जब हार्ट अटैक होता है तो आपको पसीना आता है, या चेस्ट में पेन होती है, और आपकी पेन जो है चेस्ट में होती है, कभी डिस्कम्फर्ट होता है, प्लस पेन कैन रेडिएट टू एनी आर्म्स। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के।
बिल्कुल डॉक्टर, हमने देखा है कि आजकल जो है वो कहा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि आजकल डांस करते करते और बहुत सारे से वीडियो सामने आए हैं, जिम में वर्कआउट करते करते ट्रेडमिल पर चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक आया, लोगों की मौत हो गई है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल हैं। हार्ट अटैक ऐसी चीज है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। हार्ट एक पंप है, हार्ट एक पंप है, हार्ट में केस मर्डर होता है जहां से हमारी ना हार्ट बीट ऑरिजिनेट करती है। अगर कहीं किसी भी वजह से, बहुत सारी वजह है, हजारों वजह है जिसकी वजह से हार्ट बीट टूट सकती है। सो एनीथिंग कैन लीड टू दैट। सो एनीबडी कैन हैव अ हार्ट अटैक at any time. So it is very important to keep ourselves in good shape, good body physique, regular exercise, regular khana khaye, ye sab cheeze bahut zaruri hai. Ji, maine bahut sare aise incidents abhi isliye hum na ek aisa ek device la rahe hain jo device aap chest pe laga karke ghum sakte hain 24 ghante. Dekhiye, supposing main ek normal aadmi hu, मैं एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी चला के जा रहा हूँ और इस तरह मुझे हार्ट अटैक हो जाता है। किसी को नहीं पता कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, किसी को नहीं पता कि हार्ट अटैक की वजह से मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया, मेरी मतलब कोई चोट लग गई या मैं कहीं किसी हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। ये जो डिवाइस है, जब आप पहन करके चलेंगे तो ये आपके जो भी रिलेटिव होंगे या नियरेस्ट डॉक्टर होगा या कोई आपके हस्बैंड का मतलब वाइफ होगी या जो भी होगा, उसको एक सिग्नल पहुंच जाएगा, उसको एक मैसेज पहुंच जाएगा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है, नंबर एक। नंबर दो, ये जीपीएस से कनेक्टेड होता है जिससे ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, जिससे कि कोई आदमी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। इस तरह से सावधान रहने की हमें जरूरत है, ये आप कहने की कोशिश करें डॉक्टर साहब। इसके अलावा सर, ये और मैं पूछना चाहूंगी कि हार्ट ट्रांसप्लांट, हमने बहुत सुना है हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, आजकल हम देख रहे हैं कि ये बहुत मेजर तरीके से आगे बढ़ रहा है। हार्ट ट्रांसप्लांट कब कराने की जरूरत पड़ती है और ये कितना इफेक्टिव है, इसकी कितनी लाइफ है आगे और ये कितना कॉस्टली हो सकता है? देखिए, ऐसा है, हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत जरूरी वो है जिन लोगों का हार्ट जो है ना बिल्कुल जवाब दे देता है कि वो अब आगे काम नहीं कर सकता और वो हार्ट फंक्शन नहीं कर सकता आगे और उनको और कोई चारा नहीं है, उनको नया हार्ट लगाना ही पड़ता है, तो वहां पे आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। हार्ट ट्रांसप्लांट की ना एक बहुत बड़ी वो है कि कई बार जो है ना जो नया हार्ट लगता है वो कंपेटिबल नहीं होता, तो उसकी वजह से लोगों को स्टीरॉयड वगैरह लेने पड़ते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दैट मे रियल लीड टू ए न्यू कॉम्प्लिकेशन। तो ये देखिए, हर चीज की एक अच्छी चीज भी होती है और एक चीज की बुरी चीज भी होती है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट कैन बी वेरी बेनिफिशियल, कैन ऑल्सो हैव सम साइड इफेक्ट्स। कितना कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि आजकल तो सरकारी अस्पतालों में भी हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी जो चीजें हैं वो अवेलेबल है? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है कुछ लाख से लेके मतलब 5-2 लाख से लेकर के कई लाख तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर करा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग रेट होते हैं। तो आप एक इलाज जो है ना बहुत सस्ते में भी करवा सकते हैं और एक इलाज बहुत महंगे में भी करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, देखिए, जो हार्ट अटैक जैसे लक्षण है या फिर हार्ट अटैक अगर किसी को आता है या कार्डियक अरेस्ट आता है, तो क्या ये जेनेटिक्स हो सकता है या ये किसी को भी कभी भी हो सकता है अगर आप अपना दिल का सही तरीके से ख्याल नहीं रखते? देखिए, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, पर चांसेस ये हैं कि जिन लोगों को का वजन ज्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको डायबिटीज है, उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी हैं, आप बजट ठीक करते हैं, आप खाना ठीक से खाते हैं, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो चांसेस आपको नहीं होंगे। ये नहीं कि उनको बिल्कुल नहीं होगा, उनको भी हो सकता है, पर जो चांसेस है उनको होने के कम है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं आपके पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी दिल की कई बीमारियां होती हैं, कई बार दिल में छेद होता है, ये बहुत हमने सुना है। इसके ऑपरेशन के लिए लोग इधर उधर भटकते भी हैं, कई बार इलाज सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो ये जो दिल में छेद होता है, इसकी सर्जरी कैसे होती है, ये कितनी सक्सेसफुल है, क्या अगर कोई बचपन में किसी बच्चे के दिल में छेद है तो वो उसकी लाइफ कितनी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए ऐसा है, हार्ट में ना चार चैम्बर होते हैं, और एक का नाम होता है लेफ्ट एट्रियम, एक का होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक का होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो जो जो दाएं साइड का हार्ट होता है ना, उसके अंदर आपका गंदा खून आता है फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज सेंट टू द लंग्स, और लंग्स में ये ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करके दोबारा से आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पुश करता है बॉडी के अंदर, तो इस ढंग से ये घूमता रहता है। तो लेफ्ट साइड में जो हमारा खून होता है दैट इज प्योर ब्लड, और राइट साइड में जो ब्लड होता है दैट इज यर टू बी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में कहीं पर भी अगर कोई छेक हो जाए तो ये दोनों खून मिक्स हो जाएंगे। इनके मिक्स होने से एक तो ये है कि आपके जो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जा रहा है लंग्स में वो नहीं जा पाएगा। नंबर दो, जब लेफ्ट साइड पुश करेगी तो राइट साइड में चला जाएगा, वो मिक्स होता रहेगा। तो ये आमतौर पर जिससे कंजेनिटल प्रॉब्लम, एक ये ना बाय बर्थ होता है, कंजेनिटल होता है, और इसका इलाज ये होता है कि उसको ना उसको बंद कर दिया जाता है, सर्जरी करके उसको जो छेक है उसको बंद कर दिया जाता है, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। और ये बड़ा सक्सेसफुल है, इसको कोई वो नहीं है, और बचपन में जिन बच्चों में ये पाया जाता है उनको बंद कर दिया जाता है, तो उससे उनकी उम्र भी बढ़ जाती है और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद से बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि इसका असर जो है कोरोना का वो हार्ट पर बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो हार्ट अटैक के मामले कोरोना के बाद से ज़्यादा आए हैं ऐसा स्टडी में पाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा हुआ है कि कोरोना की वजह से हार्ट पर फर्क पड़ा है? कोरोना से हार्ट अटैक हो जाता होगा, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है सर? बिल्कुल, आपकी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, लेकिन मेरा सवाल जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, मैं दोबारा से अपना सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कोरोना के बाद से क्या ऐसा हुआ है कि लोगों के दिलों पर इसका असर हुआ है, हार्ट अटैक के मामले तब से ज्यादा बढ़े हैं, हाईलाइट हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना का हार्ट के ऊपर असर नहीं हुआ। कोरोना का हार्ट पर कोई असर नहीं हुआ है। अच्छा, आज की लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नशे के आदी हो गए हैं, हालांकि बहुत जगह पर अभियान चलाकर युवाओं को प्रेरित किया जाता है, जागरूक किया जाता है। अल्कोहल और धूम्रपान की अगर हम बात करें, स्मोकिंग की अगर हम बात करें, तो बहुत ज्यादा इंटेक इसका युवा कर रहे हैं, क्या इसका असर भी आपके हार्ट पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए ऐसा है, जब आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल की भी मात्रा के ऊपर फर्क पड़ता है। अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा से ब्लड वेसल्स एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो उसे ब्लड की सप्लाई हार्ट को बढ़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा अल्कोहल से मतलब ज्यादा हार्ट को कोई असर नहीं होता, इट इज गुड फॉर द हार्ट। बट जब ज्यादा पीते हैं तो उसका असर उल्टा होता है, आपके ब्लड वेसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जो हार्ट मसल है उनको ब्लड नहीं पहुंचता, जब उनको ब्लड नहीं पहुंचता तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए अल्कोहल जब ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है तो इट कैन कॉज ए हार्ट अटैक। सिमिलरली जो टोबैको का यूज है, सिगरेट्स का यूज है, निकोटिन का यूज है, निकोटिन भी जो है हार्ट अटैक्स को बढ़ाती है। तो निकोटिन से क्या है, आपको ना आपके ब्लड वेसल्स में निकोटिन जमा हो जाती है, जिससे उनका ल्यूमन कम हो जाता है, जिससे कि ब्लड की सप्लाई को दिक्कत आती है, तो ब्लड की सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की समस्या पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, एक और बात यहाँ मैं जानने की कोशिश करूंगी, जैसे कि स्ट्रेस है,
एंजाइटी है, टेंशन है, इसका असर भी क्या हार्ट पर पड़ता है? हमारा हार्ट कमजोर होता है अगर हम ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो? देखिए, स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी, ये सब जो है इनका हार्ट पे बहुत असर होता है। ये जो है हार्ट बीट, हार्ट रेट को बढ़ाती है और इनसे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। तो जितना देखिए, हम ना नॉर्मली हार्ट पेशेंट्स को या एंजाइना पेशेंट्स को या बीपी के पेशेंट्स को एक सेडेटिव देते हैं। सेडेटिव से उनकी टेंशन कम होती है, उनकी टेंशन कम होने से उनको हार्ट अटैक या बीपी जो है ना उसका लो होता है, कंट्रोल होता है। तो टेंशन एंजाइटी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, हार्ट अटैक्स को भी प्रेसिपिटेट करती है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि टेंशन की वजह से आपका हार्ट जो है कमजोर हो सकता है। ठीक है, हमने ये तो बात कर ली कि हार्ट कमजोर कैसे होता है, लेकिन इसे स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हेल्दी डाइट का जिक्र आपने किया था, हेल्दी डाइट में क्या कुछ आना चाहिए कि आपका दिल जो है जवा रहे, स्वस्थ रहे? देखिए, सबसे जरूरी चीज है, अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं और आप कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट खाते हैं तो आप चुस्त रहिए। आप अच्छा खाना खाइए, अच्छी वर्जिश करिए, अच्छी हवा लीजिए, अच्छी जगह, अच्छे उसमें सांस, फ्रेश एयर में सांस लीजिए, उससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा और आपका हार्ट मजबूत होगा। मेन थिंग है कि आपको जितनी हार्ट प्रॉब्लम है उनको बचाने वाली चीजें कम कर लीजिए। जैसे आपको ना घी, मसाले, तेल, ये कम खाने चाहिए, ठीक है। अंडे जैसे कोलेस्ट्रॉल है उनको कम कंज्यूम करना चाहिए। तो उससे क्या है, आपके हार्ट की जो नसें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जाके नहीं जमेगा। एक बार नंबर दो, इसी ढंग से जब आप ना निकोटीन मतलब सिगरेट का उपयोग कम करेंगे, अल्कोहल का उपयोग कम करेंगे, तो आपको आप हार्ट प्रॉब्लम से बच जाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम के लिए आपको ना एक स्वस्थ जीवन जरूर व्यतीत करना जरूरी है। सुबह टाइम से उठें, उठकर सैर करने जाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छा मतलब रेगुलर डाइट रखें, टेंशन कम से कम रखें इन्हीं, और रात को अच्छी नींद सोएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग ए गुड एंड हेल्दी लाइफ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके अस्पताल में आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो दिल की बीमारी से जूझते हुए आपके पास आए होंगे, बहुत सारे लोगों का इलाज भी आपने किया होगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा और फीडबैक कैसा मिला उन पेशेंट्स के द्वारा जो आपकी टीम ने यहाँ पर सर्जरी की होगी? देखिए, ऐसा है, हार्ट प्रॉब्लम इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और हार्ट प्रॉब्लम जो है ना मोस्टली जो लोग आते हैं वो कई तरह के आते हैं। एक वो आते हैं जो कि सिगरेट वगैरह बहुत पीते हैं जी। जो सिगरेट बहुत पीते हैं उनको क्या है, सीओपीडी हो जाता है। सीओपीडी मतलब उनकी जो चेस्ट है ना उनके अंदर निकोटीन जमा हो जाता है। जब उनकी फेफड़ों के अंदर तंबाकू और निकोटीन जब जमा हो जाता है सिगरेट पीने से, तो उनके फेफड़े जो है ना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब उनके फेफड़े ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, तो वो हर वक्त हाथ से रहेंगे, मतलब सांस के लिए ना तड़पते रहते हैं। तो उनको ना, तो उससे क्या होता है, आपकी जो चेस्ट है ना वो फूल जाती है और फिक्स हो जाती है, उसको बोलते हैं सीओपीडी, ठीक है। एक वो होता है, नंबर दो होता है कि जो आदमी ब्लड प्रेशर से आते हैं, ब्लड प्रेशर से जो पेशेंट आते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी हार्ट का फेलियर हो जाता है। क्यों? हार्ट एक पंप है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इसका मतलब ये है हार्ट को ना अगेंस्ट वेरी हैवी रेजिस्टेंस पंप करना पड़ता है। तो जब वो हैवी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करता है तो उसकी मसल को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब वो ज्यादा काम करना पड़ता है तो मसल जो है वो, आप देखते हैं ना, जैसे कोई आदमी वर्जिश करता है तो उसके डौले बन जाते हैं, उसकी मसल बन जाती है, इसी तरह से वो हार्ट की मसल बन जाती है अगर उनको हैवी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। पर अगर वो रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो उस रेजिस्टेंस को सह न कर पाए तो वो हार्ट फेलियर हो जाता है, वो मसल जो है दम छोड़ देती है, जिसको बोलते हैं दम छोड़ देता आदमी, वो दम छोड़ देती है। तो दैट मीन हार्ट फेलियर। तो फर्स्ट स्टेज इज हाइपरट्रॉफी एंड सेकेंड स्टेज इज हार्ट फेलियर। तो ये हाइपरटेंशन से भी हो सकता है।
और डायबिटीज की वजह से बहुत होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और सवाल ये आ रहा है कि हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस क्या हाई ब्लड प्रेशर वालों को होते हैं या लो ब्लड प्रेशर वालों को, या फिर दोनों को ही चांसेस होते हैं? देखिए, लो ब्लड प्रेशर टू सर्टेन एक्सटेंट इज कंसीडर्ड गुड साइन। जी, अगर लो ब्लड प्रेशर है ना, पर वो लोग देखिए, लो ब्लड प्रेशर नॉर्मली इट इज कंसीडर्ड टू बी गुड फॉर इफ इट इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। बट हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी डैमेजिंग फॉर द हार्ट, इट इज वेरी डैमेजिंग। High blood pressure is more reason, more stronger reason for the heart attack than low blood pressure. यानी कि high blood pressure वाले जो लोग हैं, जो sugar patient हैं, उनको और ज़्यादा अपने दिल का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरत है। High blood pressure is one of the, देखिए, heart attack, ये diabetes, high blood pressure, these are the most important reasons. Can lead to heart attacks. So these are the things which should be controlled. ये control करना बहुत जरूरी है। जो अस्थमा के मरीज हैं, क्या उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं? देखिए, अस्थमा के जो मरीज हैं, मैंने अभी जैसे पहले बताया था, अस्थमा के मरीज होता है, अस्थमा होता क्या है? अस्थमा का मतलब ये है कि आपकी चेस्ट जो है उसके अंदर लंग्स में निकोटिन जमा हो गया। निकोटिन जमा होने से आप लंग जो है, फेफड़े जो है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जब ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाते तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है और वो फेफड़े निकोटिन जमा होने से सख्त हो जाते हैं, वो फूल नहीं सकते, वो एक्सपैंड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दे बिकम रिजिड, दे बिकम स्टिफ, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो आदमी देखने में काले लगते हैं, उनके होंठ काले लगते हैं, उनकी आंखें जो है नीली लगती हैं, उनकी जिस्म, उनकी स्किन भी जो है साइनोसिस हो जाता है, ब्लू लगती हैं, उनकी नाखून भी काले लगते हैं। तो बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड द ब्लड दैट लीड्स टू साइनोसिस। चल ठीक है, आखिर में डॉक्टर साहब बस यही आपसे कहूंगी कि कोई खास मैसेज हमारे दर्शकों के नाम आप देना चाहते हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जितना ज्यादा अपनी जिंदगी को साधारण और नॉर्मल रखेंगे उतना ज्यादा सुखद रहेंगे। सबसे अच्छा चीज है सुबह टाइम से उठें, अच्छा खाएं, सैर पे जाएं, अच्छा भोजन करें, दिन में अच्छी जिंदगी रखें, ज्यादा टेंशन ना रखें, ज्यादा प्रेशर ना रखें, और रात को अच्छी नींद सोएं। दिस इज द बेस्ट वे टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफ। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और बेहतर तरीके से बताने के लिए कि अपने दिल को जवां और हेल्दी कैसे रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बात हमने की है अपने दिल को कैसे जवां रखा जाए, कैसे उसे स्वस्थ रखा जाए, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है और ज़्यादा खुशनुमा रहे। उम्मीद है कि जो कुछ सवाल यहाँ पूछे गए थे और जो आपके सवाल थे उसका सही तरीके से आपको जवाब भी मिला होगा और काफ़ी मदद आपको इससे मिलेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, किसी और बीमारी पर बात करेंगे, किसी और डॉक्टर के साथ। धन्यवाद।